मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज के इस क्लास में हम 1st नवंबर 2023 के लिए करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच स्केड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद द सिचुएशंस ऑफ डिफेक्शन इन पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स। भारत के संविधान का कौन सा स्केड्यूल डिफेक्शन के सिचुएशन से हैंडल करता है, चाहे वो पार्लियामेंट में हो चाहे वो स्टेट लेजिस्लेचर में हो। ऑप्शन ए है फर्स्ट स्केड्यूल, ऑप्शन बी है फोर्थ स्केड्यूल, ऑप्शन सी है सेवन स्केड्यूल एंड ऑप्शन डी है टेंथ स्केड्यूल। यहाँ पर आप इसका सोर्स देख सकते हैं। सो रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने महाराष्ट्र के असेंबली के स्पीकर को, जैसे लोकसभा का स्पीकर होता है वैसे स्टेट असेंबली का भी स्पीकर होते हैं, तो जो महाराष्ट्र की असेंबली के स्पीकर है उनको सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्देश दिया है, आदेश दिया है कि आपको जो केस ऑफ डिफेक्शन है उस पर 3 महीनों के बीच बीच में डिसाइड करना है। क्यों? क्योंकि जो डिफेक्शन के रिगार्डिंग कोई भी फाइनल डिसीजन है, चाहे वो लोकसभा है चाहे वो स्टेट असेंबली है, तो स्पीकर के पास होती है पार। तो महाराष्ट्र के स्पीकर को बोला गया कि विद इन 3 मंथ्स आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने किशम मेघ चंद्र सिंह वर्सेज मणिपुर स्पीकर 2020 जो केस है उसका रेफरेंस दिया था। और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ट्रिब्यूनल की तरह एक्ट करते हुए टेंथ स्केड्यूल के अंडर की डिस्क्वालिफिकेशन के पिटीशन के बारे में जो डिसाइड करना है उसका एक रीजनेबल पीरियड होता है, एक रीजनेबल टाइम में आपको डिसाइड करना होता है। तो अगर बात करें टेंथ स्केड्यूल की, जो कि 52nd अमेंडमेंट एक्ट जो 1985 में इंट्रोड्यूस हुआ था उससे टेंथ शेड्यूल जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में इंट्रोड्यूस किया गया था, वो डिफेक्शन की सिचुएशन से डील करता है, चाहे पार्लियामेंट में हो चाहे स्टेट लेजिस्लेचर में। कोई भी मेंबर हो, चाहे किसी पॉलिटिकल पार्टी का है, चाहे कोई इंडिपेंडेंट मेंबर है, चाहे कोई नॉमिनेटेड मेंबर है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसका आंसर है ऑप्शन डी, दैट इज टेंथ स्केड्यूल। काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए क्वेश्चन है कि फर्स्ट स्केड्यूल किस में क्या लिखा हुआ है, क्या मेंशन है, फोर्थ स्केड्यूल किसके लिए है और सेवंथ स्केड्यूल क्या है। ये तीनों आपको कॉमेंट सेक्शन में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस मॉनिटरिंग बोर्ड वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय वर्ल्ड बैंक अलॉन्ग विद डैश। सो जो ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस मॉनिटरिंग बोर्ड है ये वर्ल्ड बैंक ने किसके साथ मिलकर एस्टैब्लिश किया था? ऑप्शन ए है IMF यानी कि इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, ऑप्शन बी है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ऑप्शन सी है UN यानी कि यूनाइटेड नेशंस एंड ऑप्शन डी है SCO यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। यहाँ पर आप देख सकते हैं ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस मॉनिटरिंग बोर्ड ये 2018 में वर्ल्ड बैंक और WHO ने एस्टैब्लिश किया था। क्यों न्यूज में था? क्योंकि रिसेंटली ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस मॉनिटरिंग बोर्ड ने एक रिपोर्ट रिलीज की थी जिसका नाम था अ फ्रेजाइल स्टेट ऑफ प्रिपेयर्डनेस 2023। ये जो रिपोर्ट थी किसके लिए थी? वर्ल्ड कितना प्रिपेयर है उसकी स्टेट के बारे में ये रिपोर्ट थी। ये जो GPMB है ये ग्लोबल प्रिपेयर्डनेस मॉनिटरिंग बोर्ड मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क फॉर प्रिपेयर्डनेस ये मई 2023 में पब्लिश हुआ था, जिसके अंदर उन्होंने बताया है कि अगर पूरे ग्लोबल लेवल पर कोई भी पेंडेमिक आता है, फॉर एग्जांपल जैसे कोविड आया था ऐसे कोई भी पेंडेमिक आता है, तो ये एक रॉबस्ट एविडेंस बेस्ड मेथडोलॉजी प्रोवाइड करता है कि हम ग्लोबल पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस को कैसे असेस कर सकते हैं कि कितना प्रिपेयर है। तो उसके लिए एक मेथडोलॉजी जो है वो बताई है GPMB मॉनिटरिंग फ्रेमवर्क फॉर प्रिपेयर्डनेस ने। तो ये न्यूज में था रिसेंटली। इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज WHO। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच कंट्री हैज प्लेज्ड इट्स सपोर्ट टू इंडियाज हंगर प्रोजेक्ट बीइंग रन इन उत्तराखंड। सो कौन से देश ने रिसेंटली वादा किया है कि हम इंडिया के हंगर प्रोजेक्ट को सपोर्ट करेंगे फाइनेंशियली, जो कि अभी उत्तराखंड में प्रोजेक्ट चल रहा है? ऑप्शन ए है स्विट्जरलैंड, ऑप्शन बी है नॉर्वे, ऑप्शन सी है फिलीपींस एंड ऑप्शन डी है जर्मनी। यहाँ पर आप देख सकते हैं हंगर प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड, इसके लिए नॉर्वे ने अपनी सपोर्ट जो है प्लेज की है। ये जो प्रोजेक्ट है इंडियाज हंगर प्रोजेक्ट, इसका एम क्या है? उत्तराखंड में फूड सिक्योरिटी और हंगर इश्यूज को एड्रेस करना, जो वुमेन लीडर्स हैं उसको एम्पावरमेंट करनी सो दैट फूड सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके, इन्वायरमेंट को बचाया जा सके, स्पेशली जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव रीजन्स हैं, तो वहां पर ये जो प्रोजेक्ट है ये काम कर रहा है, जिसके लिए नॉर्वे ने भी बोला है कि हम कुछ फाइनेंशियल सपोर्ट करेंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज नॉर्वे।
ऐसे एग्जांपल्स आप अपने आईआर वगैरह के क्वेश्चंस में, या फिर फूड रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है, फूड सिक्योरिटी का कोई ऐसे आता है, वहां पर कोट भी कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूरोपियन यूनियन ईयू एंड इंडिया कंडक्टेड देयर फर्स्ट ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज इन विच प्लेस. यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने अपनी पहली ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज कहां पे की है. ऑप्शन ए है स्वीज कैनाल, ऑप्शन बी है बॉस्फोरस स्ट्रेट, ऑप्शन सी है गल्फ ऑफ गिनी एंड ऑप्शन डी है पार्क स्ट्रेट. यहां पर आप देख सकते हैं कि यूरोपियन यूनियन और इंडिया ने अपनी पहली ज्वाइंट नेवल एक्सरसाइज की है कहां पर, गल्फ ऑफ गिनिया में. इसका आप मैप में देखिए, ये यहां पर लोकेशन है इसकी, अफ्रीका का कॉन्टिनेंट है ये, यहां पर है गल्फ ऑफ गिनिया. तो ये क्या है, नेवल नेवी की मैरिटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन को रीइन्फोर्स करने के लिए, इसके लिए इंडिया की नेवी की जो इंडियन नेवल शिप सुमेधा है वो, और इसके साथ तीन जो यूरोपियन यूनियन मेंबर स्टेट्स की शिप्स हैं वो गल्फ ऑफ गिनिया में पार्टिसिपेट करेंगी. कौन कौन सी, इटली की आईटीएस फॉस्करी, फ्रांस की एफएस वेंटोस एंड स्पेन की जो है शिप टॉर्नेडो. तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज गल्फ ऑफ गिनिया. नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडियाज फर्स्ट सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय. भारत की पहली सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट जो ब्रॉडबैंड सर्विस है किसके द्वारा इंट्रोड्यूस की गई है. ऑप्शन ए है एयरटेल, ऑप्शन बी है जियो, ऑप्शन सी है बीएसएनएल एंड ऑप्शन डी है वोडाफोन. यहां पर आप देख सकते हैं रिलायंस जियो ने रिसेंटली जियो स्पेस फाइबर इंट्रोड्यूस किया है जो कि इंडिया का पहला सैटेलाइट बेस्ड गीगाबिट ब्रॉडबैंड सर्विस है. सो दैट जो इंटरनेट एक्सेस है, हाई स्पीड इंटरनेट की जो एक्सेस है वो इंडिया के रिमोट रीजन, जो बिल्कुल जैसे कोई गांव का एरिया है, बहुत ही रिमोट रीजन आइसोलेटेड रीजन है, वहां पर भी लोग हाई स्पीड इंटरनेट को एक्सेस कर सके. प्राइमरी गोल क्या है हाई स्पीड इंटरनेट एक्सेस को, पहले जो अंडरसर्व्ड है जहां पर अभी इंटरनेट की सर्विस जो है प्रॉपरली नहीं पहुंचती और जो रिमोट रीजन है वहां पर पहुंचाया जा सके. तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज जियो, रिलायंस जियो. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एक्सरसाइज कजिंद इज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री. जो कजिंद एक्सरसाइज है वो एक ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है इंडिया और कौन से देश के बीच. ऑप्शन ए है किर्गिजस्तान, ऑप्शन बी है कजाकिस्तान, ऑप्शन सी है न्यूजीलैंड एंड ऑप्शन डी है साउथ कोरिया. यहाँ पर आप देख सकते हैं कजिंद एक्सरसाइज जो है वो इंडिया की आर्मी और इंडिया की एयरफोर्स ने रिसेंटली वो गए हैं कहां पर, कजाकिस्तान में. क्यों, क्योंकि कजाकिस्तान में इस बार कजिंद एक्सरसाइज का 7th एडिशन है वो हो रहा है. कहां पर होगा कजाकिस्तान में, ओटार नाम की जगह पर 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक. तो ये आपको ध्यान रखना है, इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज कजाकिस्तान. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज नॉट साइंड द ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन. इनमें से कौन से देश ने ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन नहीं साइन की गई है, नॉट पूछा गया है. ऑप्शन ए है इंडिया, ऑप्शन बी है बांग्लादेश, ऑप्शन सी है श्रीलंका एंड ऑप्शन डी है पाकिस्तान. सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि अभी जो रिवर डॉल्फिन है इसकी 6 स्पीशीज हैं जो अभी सर्वाइव कर रही है. कौन कौन सी, एमेजॉन रिवर डॉल्फिन, इंडस रिवर डॉल्फिन, गेंजिस रिवर डॉल्फिन, इरावडी रिवर डॉल्फिन, टुकुक्सी रिवर डॉल्फिन एंड यांगजे रिवर डॉल्फिन. सारी जो स्पीशीज हैं ये IUCN के रेड लिस्ट में या तो एंडेंजर्ड है या फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड है. इसके अलावा बात करते हैं ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन की, इसमें 11 एशियन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज हैं, 11 एशियन और साउथ अमेरिकन कंट्रीज जिन्होंने ग्लोबल डिक्लेरेशन साइन की है जिसका नाम है ग्लोबल डिक्लेरेशन फॉर रिवर डॉल्फिन, जिसका एम क्या है कि जितनी अभी 6 स्पीशीज जो बची हैं डॉल्फिन की उनको हमने प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, और सभी रिवर डॉल्फिन स्पीशीज का जो नंबर कम हो रहा है उसको रोकना है, और जो मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन है डॉल्फिन्स की उसकी पॉपुलेशन को, आबादी को बढ़ाना है. तो कौन कौन से देश हैं जिन्होंने डिक्लेरेशन अडॉप्ट की है, बांग्लादेश, बोलीविया, ब्राजील, कंबोडिया, कोलंबिया, इक्वेडर, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, पेरू एंड वेनेजुएला. आपके लिए सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि इंडिया ने भी ये डिक्लेरेशन जो है वो अडॉप्ट की है. तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, दैट इज श्रीलंका.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज द अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो भारत के कौन से राज्य में लोकेटेड है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश एंड ऑप्शन डी है कर्नाटक। सो अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो रिसेंटली क्यों न्यूज में थे, कुछ माओइस्ट लोग थे जिन्होंने वहां पर जो फॉरेस्ट वॉचर्स जो जंगलों में कुछ लोग घूमने गए थे उन पर फायरिंग कर दी थी। तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है 1984 में अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी स्टैब्लिश हुई थी, कहां पर है? केरला में। केरला में कहां पर? कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में। तो ये जो है केरला का दिखाया गया है आपको, यहां पर आप देख सकते हैं अरालम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये आपको दिखाई गई है इधर। तो ये कौन सी एरिया में है? नदरन मोस्ट प्रोटेक्टेड एरिया है केरला का, कन्नूर डिस्ट्रिक्ट में। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच स्टेट इन इंडिया बिकेम द फर्स्ट स्टेट टू हैव हॉल मार्किंग सेंटर्स इन ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स। भारत में कौन सा राज्य पहला राज्य बना है जिस जहां पर उस राज्य के सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर्स जो हैं वो बन गए हैं? ऑप्शन ए है उत्तराखंड, ऑप्शन बी है केरला, ऑप्शन सी है मध्य प्रदेश एंड ऑप्शन डी है वेस्ट बंगाल। यहाँ पर आप देख सकते हैं केरला जो है पहला स्टेट बना है राज्य में जहां पर सभी जिलों में, 14 जिले हैं केरला के, सभी जिलों में हॉल मार्किंग सेंटर्स हैं। हॉल मार्किंग किसके लिए यूज होती है? गोल्ड पर हॉल मार्क लगाने के लिए, क्वालिटी पर्पस के लिए। तो ये क्या करेगा, केरला को एक गोल्ड बिजनेस का हब बनाएगा और जो केरला है खुद को मोस्ट रिलायबल मार्केट बोलता है कंट्री में, उसकी जो क्लेम है वो उसको स्ट्रेंथन करेगा कि गोल्ड ऑर्नामेंट्स के लिए आप केरला में जो रिलाय कर सकते हो, विश्वास कर सकते हो। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज केरला। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बन्नी फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन विच स्टेट इन इंडिया। बन्नी त्योहार जो है भारत के कौन से राज्य में मनाया जाता है? ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी है केरला एंड ऑप्शन डी है कर्नाटक। यहां पर आप देख सकते हैं बन्नी फेस्टिवल जो है ये कहां पर मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में। ये पहले जो विजयनगर एम्पायर था वो लोग मनाते थे, अभी ये दशहरा के दिन मनाया जाता है जो विजयदशमी का टाइम होता है। और इस दिन क्यों मनाते हैं कि जो लॉर्ड मलमलेश्वर स्वामी हैं और गॉडेस पार्वती हैं, उन्होंने जो डिमोन्स थे मनी और मल्लासुर उनको हराया था, जो लोगों को तंग करते थे। तो ऐसे लाठियों से ये मनाया जाता है, स्टिक फाइट है ये, ट्रेडिशनल आंध्र प्रदेश में मनाते हैं। ये क्यों न्यूज में था, क्योंकि अभी इस फेस्टिवल के ड्यूरिंग एक एक्सीडेंट हो गया था तो ये न्यूज में था। तो इसका आंसर है ऑप्शन बी, दैट इज आंध्र प्रदेश। ये हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं, आपको यहाँ पर हमारी जो भी इंफॉर्मेशन है वीडियोस के रिगार्डिंग, कोई पीडीएफ्स हैं वो टेलीग्राम पर मिल जाएंगी, व्हाट्सएप पर मिल जाएंगी, क्विज मिल जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज हिट द लाइक बटन, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू टुमारो एट 8 o'clock। हैव अ नाइस डे।